नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके बताएंगे कि इंडिया से आइसलैंड तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहले आपको कह देता हूँ कि सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन यानी कि आपके लोकल ट्रेवल एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि makemytrip.com, yatra.com, musafir.com etc etc। एक बात मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिया से आइसलैंड तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है, लेकिन एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ नई दिल्ली से रेक्जेविक तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। नई दिल्ली और रेक्जेविक इंडिया और आइसलैंड के कैपिटल है। नई दिल्ली से रेक्जेविक तक की एयर डिस्टेंस तकरीबन 7600 किलोमीटर है। नई दिल्ली से रेक्जेविक तक की डायरेक्ट फ्लाइट फिलहाल अवेलेबल नहीं है और कनेक्टिंग फ्लाइट लेने से तकरीबन 17 से 21 घंटे लगते हैं ऑन एन एवरेज। आइसलैंड की करेंसी को कहते हैं आइसलैंडिक क्रोना और एक क्रोना होते हैं इंडिया के 0.61 इंडियन रुपीस और एक इंडियन रुपीस होते हैं 1.64 क्रोनूर। क्रोनूर क्रोना के प्लूरल को कहते हैं। आइसलैंड में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। आइसलैंड की टाइम कंपेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम -5.5 आवर्स बिहाइंड है, यानी कि जब नई दिल्ली में शाम को 3 बजेंगे सेम टाइम रेक्जेविक में सुबह को 9:30 बजेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं नई दिल्ली से रेक्जेविक तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में। तो ये रहा नई दिल्ली से रेक्जेविक तक की फ्लाइट टिकट प्राइसेस। सबसे सस्ती जो है 1+ स्टॉप में है, 2 स्टॉप में है और ये प्राइस तकरीबन 29,000 के आसपास है। ये टोटल ड्यूरेशन जो है 34 hours 50 minutes है। नई दिल्ली से जाएंगे रेक्जेविक तक वाया दोहा, कतार और ओस्लो नॉर्वे। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बता दो आपको। चलिए फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं। पहले कतार एयरवेज से जाएंगे आप नई दिल्ली से रेक्जेविक तक जो है, पहले कतार एयरवेज होंगे वो नई दिल्ली से पहले दोहा कतार में जाएंगे। उसके बाद 13 hours 35 minutes ले ओवर है दोहा में और प्लेन चेंज करना होगा और फिर नेक्स्ट कतार एयरवेज से ही आप दोहा से ओस्लो नॉर्वे जाओगे। तो पहला वाला फ्लाइट है 4.5 घंटा और नेक्स्ट फ्लाइट है 7 घंटे 10 मिनट। उसके बाद फिर से ओस्लो नॉर्वे में प्लेन चेंज करना होगा, 6 hours 35 minutes ले ओवर है और नेक्स्ट आइसलैंड एयर में आपको जाने होंगे और ओस्लो टाइम 1:05 दोपहर को और 3:15 रेक्जेविक टाइम में आपको पहुंचेंगे 3 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएंगे देख सकते, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ऑल्डो सस्ती फ्लाइट है लेकिन इसमें नहीं जाने से ही आपके लिए बेहतर होगा कि बहुत ही ये स्ट्रेसफुल जर्नी होगा। नेक्स्ट और एक फ्लाइट है, ये भी सेम है 28 आवर्स से और 2 स्टॉप से 30,000 है। तो इसलिए मैं 1 स्टॉप यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 स्टॉप करने से अच्छा होगा। और जब मैं 1 स्टॉप किया, पहले बता रहा हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ठीक है। तो 1 स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हो सबसे जो सस्ती फ्लाइट है 48,765 रुपीज है। ये लुफ्थांसा दे रही है, ये नई दिल्ली से जाएंगे दोपहर को 2 बजे और टोटल ड्यूरेशन है 29 hours 25 minutes। वाया फ्रैंकफर्ट जाएंगे, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 16 hours 50 minutes ले ओवर है और रेक्जेविक नेक्स्ट डे 1:55 PM को पहुंचेंगे, ठीक है। तो फ्लाइट डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए तो ये होगा नई दिल्ली से दोपहर को 2 बजे जाएंगे टर्मिनल T3 से और टोटल 8 घंटे 30 मिनट लेंगे और आप फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंच जाओगे जर्मनी टाइम 6 बजे शाम को। और चेक इन बैगेज जो है 23 kg दे रही है और केबिन बैगेज 8 kg दे रही है। उसके बाद चेंज ऑफ प्लेन से 16 hours 50 minutes ले ओवर फ्रैंकफर्ट में है और फ्रैंकफर्ट से नेक्स्ट डे आप जाओगे सुबह को 10:50 में और 4 घंटे 5 मिनट के बाद आप पहुंचाओगे रेक्जेविक आइसलैंड दोपहर 1:55 उनके टाइम में। और चेक इन बैगेज 23 kg है और केबिन बैगेज जो है 8 kg ही है, ठीक है। तो ये हो गया कितना टोटल प्राइस, ये हो गया 48,765 रुपीज, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है 29 hours 25 minutes। तो सबसे फास्टेस्ट जो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे फास्टेस्ट जो है मिनिमम आपको 21 hours 15 minutes लगेंगे ही। ये KLM रॉयल डच एयरलाइंस से और नई दिल्ली से जाएंगे रात को मतलब सुबह को 3:20 और रेक्जेविक पहुंचेंगे 7:05 उनके टाइम में। वाया एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स जाएंगे और नेदरलैंड्स में 8 घंटे 20 मिनट ले ओवर है और प्राइस जो है 62,182 रुपीज है। एक बार फ्लाइट डिटेल चेक कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हो KLM रॉयल डच एयरलाइंस जो है ये नई दिल्ली से जाएंगे रात को यानी कि सुबह को 3:20 AM को और 9 घंटे 35 मिनट के बाद पहुंचाएंगे एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स को। चेक इन बैगेज 0 kg है, केबिन बैगेज सिर्फ 1 PC दे रहे हैं। नेक्स्ट 8 घंटे 20 मिनट ले ओवर एम्स्टर्डम में और नेक्स्ट एम्स्टर्डम से ये ऊपर में दूसरा है ट्रांसाविया फ्लाइट है, ये जाएंगे 4:45 PM को, 3 घंटे 20 मिनट के बाद आप पहुंचाओगे रेक्जेविक आइसलैंड 7:05 पे और चेक इन बैगेज और ये 0 है। और प्राइसिंग कितना था, प्राइसिंग 62,182, लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो है ये 21 hours 15 minutes ही है। तो ये हो गया इकोनॉमी क्लास के टिकट्स। अभी चलिए इसको बिजनेस क्लास कर देते हैं और देखते हैं कि नई दिल्ली से आइसलैंड की फ्लाइट टिकट्स है कि नहीं। तो सर्च कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो फिन एयर की फ्लाइट्स है और यहाँ पे जो है 1,39,093 रुपीज है पर एडल्ट
ये टोटल ड्यूरेशन 30 hours 55 minutes है, बहुत ही लंबी सफर है। और जाएंगे नई दिल्ली से रिग्जविक आइसलैंड भाया हेलसिंकी फिनलैंड, और 17 घंटा 10 मिनट ले ओवर है, तो बहुत ही लंबी ड्यूरेशन है, 30 hours 55 minutes और 140,000 के आसपास है। नेक्स्ट और एक ब्रिटिश एयरवेज है, इसकी प्राइस 1.5 लाख से भी ज्यादा है और टोटल ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 30 घंटे ही है। नेक्स्ट आ गया ये लुफ्थांसा, 2,20,000 के आसपास है और टोटल ड्यूरेशन 29 hours 25 minutes है। तो देख सकते हो सारे 20 घंटे से ज्यादा ही है, टोटल ऑलमोस्ट 30 आवर्स ही है और प्राइस 1.5 लाख है बिजनेस क्लास में। चलिए अभी इसको चेंज करके फर्स्ट क्लास बना देते हैं नई दिल्ली से रिजर्वेशन। तो सर्च कर रहा हूँ अभी फ्लाइट टिकट्स है कि नहीं, और यहाँ पे देख सकते हो नई दिल्ली से रिग्जविक तक की फर्स्ट क्लास फ्लाइट टिकट्स नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पता चला कि नई दिल्ली से रिग्जविक यानी कि इंडिया से आइसलैंड तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल आज यही भी खत्म करें वीडियो को, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।